पिपली थर्ड गेट सिक्स लेन प्रोजेक्ट पर काम पिछले चार साल से रुक रुक कर चल रहा था। दिसंबर से काम बंद पड़ा है। अब चौथी बार सड़क का निर्माण होने की उम्मीद जगी है। बीती शाम पीडब्ल्यूडी बीएनआर की टेंडर अलॉटमेंट कमेटी ने टेंडर जारी कर दिया। इस बार तीन फर्मों ने ही इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी। अब पंचकुला की फर्म को टेंडर अलॉट हुआ है। विधायक और विभागीय अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। 8 मार्च तक टेंडर भरे जाने थे। पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने एक सप्ताह के भीतर ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली। इसे लेकर एक हफ्ते के भीतर अब टेंडर जारी हो जाएगा। इससे पहले बुधवार को खुद विधायक सुभाष सुधा सीएम मनोहर लाल से मिले थे। उनसे टेंडर जल्द जारी कराने की डिमांड की थी। शाम को सीएम के आदेशों के बाद टेंडर जारी कर दिया गया। बता दें, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बाद विभाग ने नए सिरे से टेंडर निकाले थे। 8 मार्च तक टेंडर भरे जाने की तिथि तय थी। इस बार तीन फर्मों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की रुचि दिखाई। इनमें इंद्रपार पंचकुला, RBMJV और महिंद्र कादियान पानीपत की फर्म ने टेंडर भरा था। इसके बाद 9 तारीख को पीडब्ल्यूडी सर्कल ऑफिस से इन्हें हेडक्वार्टर भेज दिया गया, जहां मामला टेंडर अलॉटमेंट कमेटी TAC के पास गया था। यहां बता दें कि बीते दिन चंडीगढ़ में दस्तावेज की जांच व छंटनी के बाद इंद्रपार पंचकुला की एजेंसी को टेंडर अलॉटमेंट कमेटी ने योग्य पाया है और इस एजेंसी को टेंडर अलॉट कर दिया गया है। इस अलॉटमेंट की तमाम औपचारिकताएं प्रशासनिक और फाइनेंशियल बिड को पूरा कर लिया है। अब लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय द्वारा विभाग के अधीक्षण अभियंता को टेंडर अलॉट जारी करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद कंपनी को निर्माण कार्य शुरू करने का अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा। पंचकुला की फर्म की तरफ से 33.76 करोड़ रुपए की बिड भरी गई थी, जबकि बाकी दोनों की राशि इससे ज्यादा थी। यही नहीं, टेंडर अलॉट करने के पहले से पहले नेगोशिएशन भी हुआ। इंद्रपाल की फर्म करीब 32.25 करोड़ रुपए में काम करने को तैयार हो गई। विभाग की तरफ से पहले करीब 28.25 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि पीपली थर्ड गेट सिक्स लेन प्रोजेक्ट का जिम्मा अब चौथी फर्म को दिया गया है। इससे पहले तीन फर्म बदल चुकी है। पहले लॉर्ड शिवा फर्म को काम अलॉट हुआ था। करीब 57 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। लॉर्ड शिवा फर्म ने सितंबर 2019 में काम शुरू किया, लेकिन बाद में पीछे हट गई। इसके बाद काम ठप हो गया तो तत्कालीन DC विधायक ने काम का सबलेट कराकर कैथल की फर्म को सौंपा। उक्त फर्म भी कुछ समय काम करने के बाद पीछे हट गई। ऐसे में लॉर्ड शिवा का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूसरी बार टेंडर निकाले गए, जिसमें बतौर तीसरी फर्म गर्ग एंड कंपनी को काम मिला। खुद पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2021 में रद्द कर दिया। इसके बाद अब तीसरी बार टेंडर निकाले और चौथी फर्म के तौर पर पंचकुला की फर्म को जिम्मा दिया गया। उक्त सड़क के तैयार न होने को लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक ये सड़क मुद्दा बन चुकी है। यहाँ ये भी बता दें कि पिछले कुछ समय से इस टेंडर को लेकर चर्चाएं चल रही थी। पिछली फर्म भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के फैसले को चुनौती दे रही थी। ऐसे में आशंका थी कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो टेंडर प्रक्रिया व सड़क निर्माण लटक सकता है। इसे लेकर बीती दोपहर विधायक CM मनोहर लाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। बताया गया कि 8 मार्च को टेंडर भरे जा चुके हैं, अब एक सप्ताह हो चुका है, लिहाजा जल्द टेंडर जारी कराया जाए। इसके बाद CM ने पीडब्ल्यूडी बीएनआर को तेजी से प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे, जिस पर शाम को TAC की मीटिंग हुई। इसमें स्थानीय व सर्कल अधिकारी भी शामिल हुए। शाम को TAC ने टेंडर अलॉटमेंट की घोषणा कर दी। देर शाम तक अधिकारी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे रहे। एक्सियन अरुण भाटिया के अनुसार नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद TAC ने टेंडर अलॉटमेंट की है। इससे पहले टेंडर रिकॉल करने जैसी बातें निराधार थी। वहीं विधायक सुभाष सुधा के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रयासों से पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने टेंडर जारी किया है। उनके अनुसार वे खुद मुख्यमंत्री से मिले थे। पिछली एजेंसी ने 40% काम किया। उक्त एजेंसी को करीब 16 करोड़ रुपए की पेमेंट भी हो चुकी है। अब सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने को विशेष टीम का भी गठन किया जाएगा। सुधा ने कहा कि अगले 10 दिनों में काम अलॉट हो जाएगा।